राष्ट्रीय राजमार्ग 19 नंबर स्थित होटल डबचिक पर्यटन केंद्र में हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों के खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अनेकों प्रकार के झूले, रेल गाड़ियां, घोड़े जैसी फोटिंग के लिए हरियाणा टूरिज्म के सभी रेस्टोरेंट में लगवाने का कार्य करने का सराहनीय काम किया है। होटल डबचिक केंद्र के प्रबंधक प्रताप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई सालों में हरियाणा पर्यटन केंद्र के सभी रेस्टोरेंट्स घाटे में चल रहे हैं और उनकी चहल पहल कम होती जा रही है। इसी के चलते पर्यटन केंद्र में बच्चों की सुविधाओं के लिए झूले, रेलगाड़ियां, झील में बोटिंग करने के लिए व खाने में विशेष छूट प्रदान करते हुए पर्यटन केंद्रों की आय बढ़ाने के लिए सराहनीय काम किया है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के टूर की सुविधा पैकेज रखे गए हैं, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को छुट्टियों का आनंद मिल सके और कम खर्चे में बेहतरीन खाना व स्नैक्स मिल सके। और पता है कि डबचिक पर्यटन केंद्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए होटल कस्बे में है और यहाँ से मथुरा वृंदावन में शनि धाम जाने वाले यात्रियों के लिए कहा जाए कि यह पिकनिक प्लेस है, तो आज होटल का डबचिक पर्यटन केंद्र किसी पिकनिक पहले से कम नहीं है। जो आपने होटल डबचिक टूरिस्ट में जो बच्चों के खेल जैसी इत्यादि सामान वगैरह लगवाए हैं, इनसे क्या बेनिफिट होगी? सरकार के द्वारा लगवाए हैं या प्राइवेट तरीके से लगवाए गए हैं? और ये अभी आपके आने से ही लगे हैं, जो झील है उसमें भी पानी भरा गया है, बोटें भी चलवाई गई हैं, तो क्या कहना है इसके बारे में आपको? इसके लिए जी हमने अपनी अथॉरिटीज़ को प्रपोजल भेजा था कि भाई यहाँ ये एक्टिविटी अगर चालू हो जाए तो फुटफॉल बढ़ जाएगा, कुछ सेल वेल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको लीज की परमिशन हमारे को दे दी थी, तो हमने इसको लीज किया है। चंडीगढ़ की फर्म है उसको, ये तीनों चारों एक्टिविटी जो उसको लीज किया है, लीज आउट किया है 3 साल के लिए जी। तो जैसे कि ये है इनके जो आपने एक वो उसके लिए फास्ट फूड जैसे वहाँ समोचे वगैरह इसके लिए भी स्टाल दी हुई है, क्या इससे आपके इस पे रेस्टोरेंट फर्क नहीं पड़ेगा? उनको मैक्सिमम वही आइटम दी है जो हमारे पास नहीं है जी, और वो सिर्फ पैक आइटम ही सेल कर सकते हैं जी। उसमें और हमने यही उनको परमिशन दिया है कि भाई जो पैक्ड आइटम है और पैक्ड ड्रिंक है वही सेल करें, या एक आध आइटम जो है जैसे समोसा टाइप है वो चलो उनको अलाउ किया हुआ है, जो हमारे पास नहीं है ये आइटम जी। जैसे कि इन बच्चों के खिलौने वगैरह जिनमें खेलने के सामान हैं, इनमें बच्चों के लिए कोई फीस वीस का भी प्रावधान रखा है, कोई शुल्क लेने का, या ये निःशुल्क है? इसमें सर फीस इन्होंने ली हुई है, लेकिन वो स्कूल के लिए पैकेज बनाए हुए हैं, उसमें अगर स्कूल की मर्जी है, हमने भी अपना पैकेज बनाया हुआ है, अगर हमारे से कोई स्कूल हमने कॉन्टेक्ट किया है स्कूलों में इस उनसे मिल के लीज होल्डर से, तो 120 रुपये में हम बच्चों को खाना वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं, और स्नैक्स अगर ले तो 80 रुपये पर बच्चा जो 8 से 10 साल का है उसको प्रोवाइड कर देते हैं बहुत नॉमिनल रेट पे, जिसमें अगर स्नैक्स लेते हैं तो सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट मिल्क या फ्रूटी टाइप कोई वो दे देते हैं। और खाना चाहिए तो उसमें वो है, उसमें हमने एक स्कीम भी रखी हुई है जी, अगर जैसे खाना लेते हैं तो हमने जो टीचर और हेल्पर है उनको बच्चों के साथ कम्प्लीमेंट रखा हुआ है, इसीलिए चलो थोड़ा फुटफॉल बढ़े तो हो जाए। प्रबंधक जी, अगर कोई स्कूल के बच्चे अगर आते हैं तो उनके लिए झूले वगैरह निःशुल्क वगैरह है जैसे? उसमें पैकेज है सर 120 रुपये। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है, जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।